हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप जस्ट डायल या फिर इस तरह से इंडिया मार्ट, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो कैसे बनाया जा सकता है, या हम बना सकते हैं या नहीं सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैनेज किस हिसाब से करेंगे, कैसे की जाएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं जिस हिसाब से कि जस्ट डायल है, तो ये जस्ट डायल की टाइप से अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। जस्ट डायल ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस को जोड़ने वाली चीज़ें हैं, यानी B2B का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया जाता है, ये जोड़ा जाता है, और जिसको जहाँ पे जिस लोकेशन पे जो चीज़ चूज़ करना है। सपोज़ कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में अगर मुझे ये सर्च करना हो कि वेब डेवलपमेंट जो कंपनी है वो कहाँ कहाँ है, तो हमारा क्या रहेगा कि जस्ट मैं सर्च करूँगा कि वेब डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से वेब डेवलपर्स हो गया, ये वेब डेवलपमेंट जो भी है जैसे भी है, इस हिसाब से लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल सबमिट करके रखते हैं। सेम इसी टाइप से अगर आप किसी कंपनी को जानते हैं तो डायरेक्ट किसी कंपनी के नाम पे अगर सर्च करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कैपिटल टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको जो कैपिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपनी है वो कंपनी आपको आ जाएगा। वो किस चीज़ की कंपनी है उसके बारे में आपको डिटेल से मिल जाएगा, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट है, नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है सारी चीज़, उसके जो प्रोफाइल है, उसकी जो टाइमिंग है, ओपनिंग टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग का है, कस्टमर्स का है, कॉलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कॉल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक सर्च डायरेक्टरी सर्च इंजन है। तो आज हम इसी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स हो, चाहे किराना का हो, या ग्रोसरी स्टोर का हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो, सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें A to Z अवेलेबल है, ठीक। अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि B2B मार्केट प्लेस यानी बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट्स लाइक जस्टडायल, ये जो B2B का बिजनेस डायरेक्टरी की जो वेबसाइट है वो किस हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसका मैं एक एक करके सारी चीज़ें हम बताएंगे कि एडमिन पैनल में किस हिसाब से होगा और आपका बैकएंड किस हिसाब से होगा। हाँ, डिज़ाइन की जहाँ तक बात है तो डिज़ाइन आपकी चॉइस है, जैसा चाहें वैसा आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है जी। तो इस टाइप की वेबसाइट है, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं ये जानते हैं पहले, और उसके बाद इसमें क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इसमें जो सिटीज़ है, एरियाज़ है, उस एरियाज़ के अकॉर्डिंग हम बिज़नेस लिस्टिंग कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि ये चीज़ें जानते हैं वन बाय वन करके, हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं, जैसे ओवरव्यू में किस हिसाब से कैसे क्या काम करेगा। सबसे पहले जो हमारा रेफरेंस जो साइट है, तो जस्ट डायल के अंदर यहाँ पे B2B का कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है, B2C का कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है। अब जिस हिसाब से चाहे दोनों चीज़ें कर सकते हैं, यानी B2B अगर मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स का B2B का मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट टू सप्लायर के साथ इसमें कॉन्टेक्ट किया जाएगा, सेम एज इट इज़, यही फंक्शन अपने इसमें भी काम करेगा, ठीक है। तो आइए चलते, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका लोगो है, यहाँ पे आपका टैब है, ऊपर भी जो टैब आता है, जैसे आप जस्ट डायल में देख सकते हैं कि वहाँ पे मल्टीपल टैब है ऊपर, आप उस हिसाब से मल्टीपल टैब आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका सिटी सिलेक्शन है, ये सर्च का ऑप्शन है, अगर एडवांस में कोई सर्च ऑप्शन चाहिए तो
सर्चेस के थ्रू अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको मैप के थ्रू सर्चेस चाहिए तो मैप के थ्रू भी सर्चेस अवेलेबल है। यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस इसमें दिख जाएगा, ठीक है, एडवांस सर्चेस में। इसके अलावा अगर लोकेशन में मैप के थ्रू चाहिए तो मैप के थ्रू भी सर्चेस आ जाएगा। नियर बाई जो मैप के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से शॉप अवेलेबल है, कौन कौन से स्टोर अवेलेबल है, वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर कर दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा फीचर्स है, ये फीचर्स एडजस्ट डायल में नहीं है। इसके अलावा सिटी वाइज करना चाहें सिटी वाइज होगा, कैटेगरी वाइज करना चाह रहे हैं आप सर्चेस कैटेगरी वाइज होगा, या फिर कोई भी आप जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे कि अब मैं करूँ यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के नाम से मैं सर्च कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, या फिर जो रेस्टोरेंट की चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे फीचर्स बिजनेस, बिजनेस के जो कुछ फीचर्स जो कैटेगरीज हैं उसके यहाँ कैटेगरी यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे एक टॉप बिजनेस जो आ रहे हैं उसके एक सर्चेबल बार दिया हुआ है। इसके अलावा जो कैटेगरी है कैटेगरी वाइज जो आपका स्टोर्स है या फिर दुकान है या इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर डॉक्टर्स कितने हैं, डेंटिस्ट कितने हैं, इस तरह से जिम का नेवा किधर है, इधर रेंटल में, तो इस हिसाब से भी कैटेगरी मैनेज किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट डायल में इन्होंने क्या किया, फोटो थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ फोटो थोड़ा छोटा है स्मॉल है, तो हर एक चीज़ का लुक एंड फील अलग अलग होता है, आपको जिस तरह के भी नीड हो कस्टमाइज़ करने की वो कस्टमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। सपोज़ कि मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ, इस पे जब क्लिक करता हूँ तो ये आपका सब डायरेक्टली हो गया, इसके अंदर फिर हम यहाँ पे के इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट्स के अंदर उसका कहाँ पे का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, कब ऐड किया गया है, कितने दिन में ऐड किया है, कौन सी तारीख में ऐड किया गया है, इसकी वेबसाइट क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, और ये कहाँ पर है, ये विजिट कैसे करेंगे, कितने लोगों ने यूज़ किया है, इसका रेटिंग कितना है, क्या अच्छा है बुरा है, इसका प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल सकते हो, उसकी एड्रेस की डिटेल है, इसके अलावा कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है कि वो कहाँ कहाँ पर क्या है, ये सब अगर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उनको, सबमिट करना चाहे वो सबमिट कर सकते हैं, रिव्यू देना चाहे रिव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा आप मैप में उसकी डिटेल देख सकते हैं जो कौन सी जगह पे एग्जिस्टिंग एग्जिस्ट है, इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। यह अभी एक आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये डमी पर्पस की है, कोई किसी के क्लाइंट का वेबसाइट नहीं है, इसलिए आप इसे मत समझिए ये कोई क्लाइंट की वेबसाइट है, डमी पर्पस की चीज़ है, ठीक है। मैं डमी पर्पस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चाहिए तैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कॉफ़ी हो गया कैफे हो गया, इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। तो ये तो रही एक छोटा सा एक ओवरव्यू, अगर आप इसमें कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं या फिर सारी डिटेल दिया हुआ, ये छोटा सा एक ओवरव्यू है। अब हम चलते हैं कि ये देखते हैं कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे कोई बंदा अगर साइन इन करता है साइनअप करता है, साइनअप करके भी कोई पोस्ट डालना चाह रहा है तो भी डाल सकता है। ये जो सारे फीचर्स हैं वो किस हिसाब से काम करेगा, यहाँ पे आप अगर अर्निंग की पर्पज़ की बात करें तो अर्निंग अगर आप एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मुझे अर्निंग भी नीड है, विदाउट अर्निंग का आप कैसे काम करेंगे, तो इसके लिए आपको अर्निंग के जो मल्टीपल आपका पैकेज या पैकेज भी बना सकते हैं, जिस भी करेंसी हो जिस भी टेक्नोलॉजी से हो या जिस भी आपका लैंग्वेजेस से हो, आप लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आपको मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्टेड है, हिंदी इंग्लिश अरेबिक या इस तरह से, और दूसरी लैंग्वेजेस भी नहीं है इसमें ना सपोर्टेबल है, इसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके फीचर्स के बारे में, ये फीचर्स किस हिसाब से, मैं आपको सब दिखाऊंगा एक एक करके, इसका एडमिन पैनल भी ओपन करके दिखाऊंगा, इसका आपका बिजनेस पैनल भी ओपन करके दिखाऊंगा किस हिसाब से होगा। तो इसमें फीचर्स हैं, फीचर्स इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तो कुछ फीचर्स जो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट सारे ना पढ़ के मैं आपको ये बता दूँ कि एक आप ऑनर पे एडमिन पैनल को ओपन करके मैं सारे चीज़ टू जेड दिखा दूंगा। तो पहले क्या, व्हाट इज़ द विजिटर यू विल गेट, यानी जो आपका जो विजिटर होगा वो क्या क्या फीचर्स जो पा सकता है, ये टोटल 15 फीचर्स हैं। यानी यहाँ पे आपका सर्च बिजनेस बेस्ड ऑन कैटेगरी, आपका बिजनेस जो सर्च होगा वो कैटेगरी बेस्ड सर्च होगा, इसी तरह से सर्च बिजनेस जो होगा करंट जियो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी बिजनेस आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि मैप के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह से सर्च बिजनेस बेस्ड ऑन सिटी स्टेट कंट्री, ये जो सर्च का जो ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन है,
हैं, ये तीन चार ऑप्शन जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसको चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च जो है यूजिंग टैक्स इनपुट, अगर आप कोई टैक्स इनपुट करके सर्च करना चाह रहे हैं तो आप टैक्स इनपुट करके भी सर्च कर सकते हैं। सपोज कि जैसे यहाँ पे अगर मुझे सर्च करना हो जस्ट अ वेब डेवलपमेंट, मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट सर्च किया, यहाँ पर जो भी डायरेक्टरी के अंदर वेब डेवलपमेंट की चीज़ें होंगी वो डेवलपमेंट चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह से चेक की इंफॉर्मेशन एंड डिटेल ऑफ द बिजनेस, आपका जो बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है और उसकी जो बिजनेस की डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा फाइंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंड चेक द स्ट्रीट व्यू, आप यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हैं और साथ साथ आपको वो किस गली में किस जगह में एग्जिस्ट कर रहा है मैप में वो भी चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक द सोशल लिंक्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का जो भी का आपका बंदा है या जो आपका क्लाइंट नीड है यानी जिसके बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं उसके सोशल पेजेस जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कोई भी एक आप पेज ले लीजिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये पेज ओपन किया है, ये पेज ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो सोशल मीडिया जो पेजेस हैं वो पेजेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर दिया हुआ है, ऐड करना चाह रहे एडमिन पैनल से इस चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे सी एंड कॉन्टैक्ट बिजनेस ऑनर वाया प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, और जो आपके इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप ऑनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि कितने घंटे ये बिजनेस ओपन रहता है नहीं रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसके जो आपका शॉप का जो एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे जान सकते हैं, और रिव्यू वगैरह चेक कर सकते हैं, बिजनेस की रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं कस्टमर। इसके अलावा मार्केट बिजनेस एज फेवरेट, आपका जो मार्क होगा जो कौन से बिजनेस फेवरेट में है नहीं है, इस तरह से मार्क भी किया जा सकता है। इसके अलावा चेक ऑफर गिवन बाय अ बिजनेस, आप ऑफर भी चेक कर सकते हैं बिजनेस तो के रिलेटेड में जो कौन सा ऑफर चल रहा है नहीं चल रहा है, इस तरीके के आप जो है कि चेक कर सकते हैं चेक ऑल ऑफर्स गिवन बाय बिजनेस, बिजनेस के बारे में जो भी चीज़ ऑफर दिया हुआ सारे चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं बिजनेस के बारे में, रिपोर्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। इसी तरह से जो ऑनर है ऑनर को ये सारे फीचर्स इसमें दिखाई देंगे। इसके अलावा आपके जो साइट हैं जो ऑनर जो साइट है उसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, तो भी ये सारी चीज़ें ना पढ़ के मैं डायरेक्ट चलता हूँ इसके एडमिन पैनल पे, और एडमिन पैनल पे मैं वन बाय वन करके आपको चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, ये चीज़ आप देखना चाहें मैं आपको दिखा दूंगा, या आप डायरेक्ट इसको लॉगिन करके भी देख सकते हैं। मैं ये सारे डिटेल भी अब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी अपना ये कर सकते हैं। ठीक है, अपने लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए दे दूँ, यहाँ पे अपने यूज़र है, डेमो के लिए जस्ट आप एडमिन सर्च करेंगे, एडमिन 12345 जस्ट आप डालेंगे और आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने एज ए गेस्ट लॉगिन किया था, इसलिए यहाँ पे एज ए गेस्ट इसका ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी जो लॉगिन करूँगा एज ए ऑनर के हिसाब से मैं लॉगिन करूँगा ताकि मैं जान पाऊँ इसके जो एडमिन पैनल है एडमिन पैनल कैसे काम कर रहा है और उसमें उस एडमिन पैनल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है और उस फीचर्स को हम यूज़ किस हिसाब से करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम कहा जाते हैं इसके एडमिन पैनल की तरफ, और एडमिन पैनल यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक मेल आईडी और पासवर्ड, जस्ट मैं यहाँ पे मेल आईडी सर्च कर रहा हूँ। हाँ, ये आपको मल्टी लैंग्वेज है, आप मल्टी लैंग्वेज अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ है जस्ट इंग्लिश यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एडमिन पैनल है, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करने को मिलेगा और कौन कौन से चीज़ें हैं, ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर आपको मिलता है कि बिजनेस के कितने लिस्टिंग है, यूज़र कितने हैं, कैटेगरी कितने हैं, लोकेशन कितने हैं, और उसके जो फुल सी फुल डॉक्यूमेंटेशन, इम्पोर्ट डमी डाटा, अगर कोई डमी डाटा अगर इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं एज ऑनर ऑनरशिप के हिसाब से तो उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलेगा, ये चार चीज़ें आपको मिलेगा कि कितने बिजनेस आपका लिस्टेड है, यूज़र कितने, कैटेगरी और लोकेशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप कंटेंट की बात करें तो कंटेंट के अंदर हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिया मिलेगा। ठीक है,
कंटेंट के अंदर मैनेज द पोस्ट, पोस्ट आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपना कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं या फिर कोई रिपोर्ट कोई किसी ने किया है, तो इस तरह सारे कंटेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एज ए ऑनरशिप भी ऐड कर सकते हैं या एज ए यूज़र भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे के ऑनर की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो ऑनर जो है किसी चीज़ को फेवरेट पे भी डाल सकता है, किसी चीज़ को रिपोर्ट है उसके बारे में डाल सकता है, क्लेम कर सकता है बिजनेस के बारे में, ठीक है। इस हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं सारी जो पोस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई एक्शन लेना हो, कोई उसको डिफॉल्ट करना है, डिलीट करना है, ये फंक्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा ऑफर्स, जितने भी ऑफर्स अवेलेबल हैं मार्केट प्लेस पे, या फिर नया ऑफर कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ऑनर कोई अथॉरिटी है कि वो नया कोई ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए भी जस्ट एक सिंपल ऑफर का टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, और ये ऑफर किस टाइप का होगा, किस ग्रुप में ये ऑफर होगा, वो बिजनेस चूज़ करना है, एक इमेज चूज़ करनी है और उसके बाद उसको सेव कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पे मैनेज कैटेगरी, आप जितने भी कैटेगरी ऐड करना चाहें वो सारी कैटेगरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेन कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, सब टू सब कैटेगरी हो गया, जितना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे अगर आपको सब कैटेगरी चूज़ करना तो पैरेंट चूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आइकॉन चूज़ कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम देंगे, तो इस हिसाब से सब कैटेगरी बन जाएगा। अगर आपको मेन कैटेगरी रखना हो तो नो पैरेंट्स को क्लिक करके यहाँ पे मेन कैटेगरी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप पैकेज, जितने भी पैकेज हैं आप पैकेज मैनेज कर सकते हैं, चाहे 15 दिन के लिए लिस्टिंग हो, 10 दिन के लिए हो, 20 दिन के लिए हो, वो डे बाय डे आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके सेटिंग वगैरह करना हो वो सेटिंग वगैरह भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जी हाँ। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे, पैकेज किस तरह क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आपको पैकेज दिया हुआ है कितना पोस्ट पैकेज है, फीचर पैकेज है, जो भी पैकेज को सिलेक्शन करना होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस डालनी होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कितने लोकेशन पे इसको इनेबल करनी है, आप कौन कौन से लोकेशन पे, कौन कौन से स्टेट पे, कौन कौन से कंट्री पे इनेबल करनी है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जिस भी कंट्री के लिए इनेबल करनी है जस्ट आप कंट्री का नाम डालेंगे और कंट्री का अकॉर्डिंग आ जाएगा। सपोज के मैं अगर इंडिया में सर्च कर रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे इंडिया का नाम से डाला और उसके इंडिया हम सेव कर सकते हैं। स्टेट है, किस स्टेट में, अगर आप किसी पार्टिकुलर स्टेट में या पार्टिकुलर एरिया में भी इस तरह के बिजनेस करना चाह रहे हैं अपने लोकल चीज़ों के लिए, लोकल मार्केटिंग के लिए, तो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे आपको मिलेगा एक ग्रुप्स, उस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। एमिनिटाइज, यहाँ पे अपना जो भी एमिनिटाइज है ग्रुप्स है या अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एमिनिटी, ठीक है, क्रिएट एमिनिटी, तो एमिनिटी भी किया जा सकता है, ठीक। ये क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल है, नहीं है, कौन कौन सी जगह में क्या है, वो फंक्शन कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके कुछ फैसिलिटी हो गया, जो जैसे कोई रेस्टोरेंट है उसके अंदर वाईफाई है, जिम है, या इस तरह से वॉशिंग मशीन का वॉशरूम है, या इस तरह कोई भी जो अच्छे से फैसिलिटी है वो फैसिलिटी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कई कस्टम फील्ड है, इस कस्टम फील्ड के अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करनी हो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो कस्टम की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं ऑनर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मार्क यूआरएल का मास्क एंड मेटा, कोई यूआरएल है उसके अंदर आप कोई मेटा डेटा डालना चाह रहे हैं या उसको रैंकिंग में लाना चाह रहे हैं तो भी आप डाल सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट हिस्ट्री, कितना पेमेंट आया नहीं आया, कितना पेमेंट आपने रिसीव किया, किसका पेंडिंग है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे जानेंगे। ये इसके अंदर का ऑल कंटेंट, ऑल रिव्यू, जितने भी लोगों ने रिव्यू किया हुआ है उसके बाद आप ये देख सकते हैं कितने लोगों ने रिव्यू किया है। अगर किसी ने रिव्यू डिली कोई गलत डाल दिया तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। इस तरह से अगर कोई ऑनर को ये अथॉरिटी है कि वो रिव्यू किसी का डिलीट भी कर सकता है। तो ये तो रही आपका कंटेंट का, टोटल कंटेंट का, कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं।
इसके अलावा अब बात कर लें सेटिंग की कि सेटिंग के अंदर आप इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी सेटिंग के लिए। कंटेंट सेटिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट सेटिंग के लिए सारी चीज़ें नीड होगी। यहाँ पर आपको कितने कौन कौन से कितने सेट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बैनर की सेटिंग जो आप इसमें होम पे देख रहे हैं, कोई बैनर है, बैनर आप लगाना चाह रहे हैं, कोई हटाना चाह रहे हैं, कोई रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से आप बैनर की भी सेटिंग करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे हैं, कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, ये सब कुछ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैप की सेटिंग, आपका जो मैप है वो मैप की सेटिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डिसेबल करना है या इनेबल करना है ये आपको यहाँ पे दिख। ठीक है, और कितने तक जूम कर सकते हैं, जूम की कैपेसिटी कितना है वो आपको यहाँ पे दिया होगा। इसके अलावा सर्च की सेटिंग, सर्च के अंदर जो सेटिंग है या कौन कौन सी इसमें ऑप्शन है, एडवांस सर्च रखना है, बेसिक रखना है, या आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। कितना किलोमीटर वाइज शो कराना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना है, ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोकल बिजनेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मेलिंग की बात है, मेलिंग अगर मेल का इंफॉर्मेशन के लिए करना चाह रहे हैं मेल कर सकते हैं। इसके अलावा पेपाल से जो पेमेंट गेटवे है वो कई एक हैं, पेपाल के पेमेंट गेटवे हैं, स्क्वाइप का पेमेंट गेटवे अवेलेबल है, ये वर्ल्ड वाइड काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो सिस्टम की जो सेटिंग है कि वो आपकी वेबसाइट में कोई नाम है, लोगो है, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे सिस्टम की सेटिंग से कर सकते हैं। इसके अलावा वेब पैनल की, वेब एडमिन की बात है तो वेब एडमिन यहाँ पे कर सकते हैं। मल्टीपल एडमिन क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। पैकेज की सेटिंग करनी है तो आप पैकेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र करें, पेपाल से करें, तो भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो अभी हमारा तीसरा सेक्शन है वो सेक्शन है ईमेल एंड मैसेजिंग का। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जब आएंगे तो उसमें आपको मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है, ईमेल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पर्सनल मैसेज किसी को भेजना चाह रहे हैं, किसी बिजनेस को भेजना चाह रहे हैं, वो चीज़ें आप भेज सकते हैं। इसके अलावा ईमेल ट्रैकिंग, अगर ईमेल ट्रैक करना चाह रहे हैं तो आप ईमेल भी ट्रैक कर सकते हैं, या कोई ईमेल प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर डेटा डालना हो तो आप बल्क में ईमेल भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, या बल्क में ईमेल अब किसी को भेजना है या डायरेक्ट यूज़र को मैसेज भेजना है तो आप बल्क में भी लिख के ईमेल को भेज सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैसेज आप भेज सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मैसेज सर्च कर लिया और यहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं सारे को मैसेज चला जाएगा एट ए वन टाइम वन क्लिक पे। ठीक है, ये बहुत अच्छा फीचर्स है। इसके अलावा अगर कोई न्यूज़लेटर सेंड कर रहे हैं, न्यूज़लेटर भेजना चाह रहे हैं, कोई उसमें सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसमें न्यूज़लेटर भी भेज सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो आपका बंदा है या जो उस पर न्यूज़लेटर जो उनको टाइम पे मिल जाता है या फिर कोई नए नए ऑफर्स या नए नई चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, कुछ कन्फिगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो चीज़ आप कन्फिग्रेशन यहाँ पर मेल की कर सकते हैं। डिबग मेल करना चाह रहे हैं, मेल की जो डिबगिंग है वो करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो फैसिलिटी भी की जा सकती है। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं मैनेज यूज़र की। तो यूज़र आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने यूज़र्स आपके पास अवेलेबल है, कितने यूज़र्स नहीं है। अगर यूज़र आपको इम्पोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, ये फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये कस्टमर्स के इसमें आपको अच्छा खासा डेटा मिल जाएगा जो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप एडमिन की बात करें तो ये जो प्रोफाइल होगा, यूज़र का प्रोफाइल इस हिसाब से काम करेगा। अगर उसमें कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। विजिट का सेक्शन है, विजिट के सेक्शन में आप हर वो चीज़ लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव कर रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जिसको भी जैसा चाहेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक लाइव की चीज़ें दिखाना हो। ठीक, इसके अलावा विजिट से का कुछ सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नया विजिट्स ऐड करना चाहें, रिमूव करना चाहें, वो भी चीज़ें की जा सकती है। और एक चीज़ यहाँ पे आपका कोई ब्लॉग है, न्यूज़ है, ये ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, न्यूज़ का ऑप्शन डालना चाह रहे हैं, नया पोस्ट डालना चाह रहे हैं, तो भी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इमेज डालें, फ़ोटो डालें, वीडियो डालें, वो सब चीज़ की कर सकती है। इसे रैंकिंग के लिए, एसईओ रैंकिंग के लिए बड़ा अच्छा काम करता है।
इसके अलावा पेजेस बनाना चाह रहे हैं, न्यूज़ बनाना चाह रहे हैं, या कोई एक मेन्यू बनाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं बिल्कुल ईजिली, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मेन्यू हो गया, सब कैटेगरी, सब टू सब कैटेगरी, जैसा चाहें वैसा आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम की बात कर लें तो सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस हैं, जो भी लैंग्वेजेस आप इसमें ऐड करना चाहें उस लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एड्रेस वगैरह कंपनी सारी चीज़ें इसमें किए जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन है, अपलोडिंग का ये आपका डेवलपर का प्रोसेस है, ये जो फंक्शन है सेटिंग का, ये पूरा डेवलपर का प्रोसेस है। ठीक है, ये डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये है कि इसमें बेसिक चीज़ें जो आपकी नीड थी एक बिजनेस डायरेक्टरी की वेबसाइट के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एज ए यूज़र, अगर कोई यूज़र बंदा है तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है, उनको किन किन तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अब हम देख लेते हैं। इसके दो तीन लेआउट है, आप कोई सभी लेआउट आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ यूज़र की, तो मैं यूज़र यहाँ पे देता हूँ डेमो यूज़र, जस्ट यहाँ पे मेल आईडी डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ए यूज़र आप क्या क्या काम कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे आपका यूज़र पैनल मिल गया, आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है, उस डैशबोर्ड के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पोस्ट मैनेज कर सकते हैं, या कोई रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैनेज ऑफर है, मैंने ऑफर का रखना चाह रहे हैं ऑफर मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से पेमेंट हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको कोई पोस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो उसके बारे में आप रिपोर्ट भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे कंटेंट आ गया, और इसके अलावा न्यू बिज़नेस को ऐड कर रहे हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो नया बिज़नेस आप सब्सक्रिप्शन लेके ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये आप ऐड करने का है, बेसिक प्लान, स्टूडेंट प्लान, जो भी ऐड करना चाहें वो आप इसको इस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।